पपीता एक फल है। कच्ची अवस्था में यह हरे रंग का होता है और पकने पर पीले रंग का हो जाता है। इसके कच्चे और पके फल दोनों ही उपयोग में आते हैं। कच्चे फलों की सब्जी बनती है। इन कारणों से घर के पास लगाने के लिए यह बहुत उत्तम फल है। इसके कच्चे फलों से दूध भी निकाला जाता है, जिससे पपेन तैयार किया जाता है। पपेन से पाचन संबंधी औषधियाँ बनाई जाती हैं। पपीता पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इसके पक्के फल का सेवन उदर विकार में लाभदायक होता है। पपीता सभी उष्ण समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। गर्भवती महिलाओं को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा गर्भ गिर जाने की संभावना बढ़ जाती है। भूखे पेट भी पपीता खाना नुकसानदायक हो सकता है। भारत में पपीता अब से लगभग 300 वर्ष पूर्व आया। आरंभ में भारतवासियों ने पपीते में हीक के कारण इसको कदाचित अधिक पसंद नहीं किया, परंतु अब अच्छी और नई किस्मों के फलों में हीक नहीं होती। शीघ्र फलने वाले फलों में पपीता अत्यंत उत्तम है। पेड़ लगाने के बाद वर्ष भर के अंदर ही यह फल देने लगता है। इसके पेड़ सुगमता से उगाए जा सकते हैं और थोड़े से ही क्षेत्र में फल के अन्य पेड़ों की अपेक्षा अधिक पेड़ लगते हैं। इसके पेड़ कोमल होते हैं और पाले से मर जाते हैं। ऐसे स्थानों में जहाँ शीतकाल में पाला पड़ता है, इनको नहीं लगाना चाहिए। यह उपजाऊ दुमट भूमि में अच्छा फलता है। ऐसे स्थानों में जहाँ पानी भरता हो, पपीता नहीं बढ़ता। पेड़ के तने के पास यदि पानी भरता है तो इसका तना गलने लगता है। पपीते के खेत में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। इसका बीज मार्च से जून तक बोना चाहिए। प्रायः अप्रैल मई में बीज बोते हैं और जुलाई अगस्त में पेड़ लगाते हैं। यदि सिंचाई का सुप्रबंध हो तो फरवरी मार्च में इसका पेड़ लगाना अति उत्तम होता है। पेड़ लगाने के लिए पहले 8 या 10 फुट के फासले से 1.5 या 2 फुट गहरे गोल गड्ढे खोद लेने चाहिए। गड्ढे के केंद्र में पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ों की सिंचाई के लिए उनमें छल्लेदार थाले बनाकर आवश्यकता अनुसार पानी देते रहना चाहिए। पपीते के पेड़ों में नर एवं मादा पेड़ अलग अलग होते हैं। पपीते के पेड़ में 3 या 4 साल तक ही अच्छे फल लगते हैं। इसकी मुख्य किस्में हनी ड्यू अथवा मधुबिंदु, सिलोन, रांची आदि है। पपीता खाने के अनेकों लाभ हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होता है। पपीता में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती है। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें मौजूद विटामिन ए आँखों की रोशनी बढ़ाता है। पाचन तंत्र को सक्रिय रखता है। पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में राहत देता है। तो ये थी फल पपीते के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।